दोस्तों अभी सब्सक्राइब कीजिए ट्रेडिशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और लेटेस्ट वीडियो में। और गाइस, बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि मुझे कमेंट करते हैं कि वो 100 वीडियो डाल दिए हैं, 200 वीडियो डाल दिए हैं, कई तो बोलते हैं कि मैंने 500-500 वीडियो डाल दिए, बट अभी तक हमारा चैनल जो है वो ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। सो गाइस, आपका भी अगर यही डाउट है तो आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं यूट्यूब के एल्गोरिथम को बताने वाला हूँ कि किस तरह से यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करता है और किस तरह से आप काम करोगे तो यूट्यूब चैनल आपका बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाएगा। वैसे गाइस, आपके व्यूज, सब्सक्राइबर्स वगैरह इंक्रीज करने के लिए जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, मतलब जिस तरह से काम करना होता है, वो मैंने अपने वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे वो सभी वीडियोस। और गाइस, यहां पे हम बात करते हैं YouTube के एल्गोरिथम की। सो गाइस, अगर आप जानते हैं तो YouTube का जो एल्गोरिथम है वो काम करता है YouTube के कंसिस्टेंसी के बेसिस पे। अभी यहाँ पे बहुत से ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं गाइस कि YouTube पे बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो क्या करते हैं कि वीडियोस तो बना लेते हैं, एक एक दिन में 10-10, 15-15 वीडियो अपलोड कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ दिन बैठ जाते हैं, उसका रिजल्ट देखने के लिए मतलब वो रहते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, 4-5-6 दिन तक उसका रिजल्ट ही देखते रहते हैं कि ये मेरे वीडियो ने 500 व्यूज लिए, 1000 व्यूज लिए, बट उस बीच में वो कोई भी वीडियो नहीं डालते हैं। सो गाइस, मैंने अपने बहुत से पहले भी वीडियो उसमें बोला हुआ है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। यहां प्रैक्टिकल अगर एग्जांपल दूंगा इस, तो मैं अपनी ही एग्जांपल ले लेता हूं। आप जैसा कि जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल मुझे बनाए हुए करीब करीब 1 साल हो चुका है। सबसे पहले जो मेरा वीडियो वायरल हुआ था उसमें मैंने फ्लाइट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बताई थी, मतलब किस तरह से आप पहला फ्लाइट पकड़ सकते हैं, वो वाला वीडियो मेरा अच्छा वायरल हुआ था। मतलब इतना भी वायरल नहीं हुआ था, बस उसमें करीब करीब 15-20 हज़ार व्यूज जो है वो आ चुके थे, बहुत अच्छे से मतलब उस पर व्यूज जो है वो चल रहा था। फिर धीरे धीरे करके और एक वीडियो वायरल हुआ, ऐसे करते करते 3-4 मेरे वीडियोज जो है वो वायरल हो गए। वायरल होने के बाद में क्या हुआ, आज देखिए, अभी वो वीडियो अगर वायरल हुआ है तो ऑब्वियसली बात है उसको और आगे बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन एक टाइम पे जाकर के वो वीडियो रुका है। कुछ कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो डेली के व्यूज ले रहे हैं, बट उतना नहीं ले रहे जितना वो पहले लेते थे, तो धीरे धीरे करके वो रुक रहा है। इसमें होता क्या है गाइस, YouTube देख रहा है कि आप अगर YouTube पे कंसिस्टेंसी के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, तो जो भी आपके पुराने वीडियोस हैं, जो भी आप मतलब स्टॉक में रखे हुए वीडियोस को, पहले वाले वीडियोस को, वो धीरे धीरे करके आपका फ्रीज होते जाता है। मतलब वो वीडियो पे और धीरे धीरे व्यूज जो है वो आने बंद हो जाते हैं, कम कम व्यूज आते हैं। तो इस वजह से आपको करना क्या चाहिए कि डेली मतलब नया नया टॉपिक पे वीडियो बनाते रहना चाहिए। आपको पता होगा इंटरनेट है ये, इंटरनेट पे जो अपडेट है वो फटाफट से आते रहता है, तो आपको भी अपने हिसाब से अपडेट के साथ में ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर बिना अपडेट का गाइस आप काम करोगे तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम होगा। तो गाइस, ये छोटा सा वीडियो है, उतना लंबा नहीं करूंगा वीडियो को। वीडियो में एक्चुअली मेरा बताने का मतलब बस यही है कि आप YouTube पे कंसिस्टेंसी रखिए, कंस्टेंटली काम कीजिए। अगर आपका टारगेट है दिन का 2 वीडियो तो दिन का 2 वीडियो दीजिए, डेली 1 वीडियो देना है तो डेली 1 वीडियो दीजिए, 2 दिन में अगर 1 वीडियो देते हैं तो 2 दिन में 1 वीडियो दीजिए, लेकिन YouTube पे वीडियोस दीजिए। ऐसा मेरे ख्याल से कोई भी चैनल नहीं है जो कंसिस्टेंसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं तो उनका चैनल ग्रो नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो 500-500 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, बट उनका चैनल आगे बढ़ा ही नहीं है, फेमस हुआ ही नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि वो दिन के 10-15-20 वीडियो अपलोड कर देते हैं, लेकिन कभी कभी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। तो सबको कंसिस्टेंसी बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं भी कुछ टाइम से कंसिस्टेंट नहीं था यूट्यूब पे, बहुत टाइम से, मतलब पहले स्टार्टिंग में तो मैं सही कर रहा था, मतलब कंसिस्टेंसी के हिसाब से काम आगे बढ़ा रहा था, लेकिन आने अभी कुछ जो दिन है उस टाइम मैं कंसिस्टेंट मतलब कॉन्स्टेंटली काम यूट्यूब पे नहीं कर रहा था, बट अभी मैं पूरा पूरा ट्राई करता हूँ आपको डेली के कुछ वीडियोस मिले हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मैं बना करके दूँ। सो गाइस, ये अपडेट अगर आपको पसंद आता है, ये टॉपिक आपको पसंद आता है, तो वीडियो को कीजिए फटाफट से लाइक, कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे इसी तरह की अपडेट रेगुलरली। सो गाइस, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।